अब वो पता नहीं कौन लोग हैं जो अपने कुत्तों को खुला रखते हैं। अगर आप पालने का इतना शौक रखते हो तो उनको संभालने का भी हिम्मत रखो। देखो ये फाड़ दिया, ये देखो क्या कंडीशन हो रही है, सूज भी गया है पूरा। अभी खैर इसकी सूजन कम हो जाएगी, इसको एंटीबायोटिक दे दिया है। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में, मैं आपसे फिर मिला हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज बड़ा ही एक मैं कहूँ कि अजीब सा फीलिंग आ रही है मन में लोगों को देख के और उनकी सोच के बारे में। देखिए कुत्ते तो हर कोई पालता है, हम भी पालते हैं, हमारे भी कुत्ते लोगों को परेशान करते हैं, तंग करते हैं, कभी खुल जाते हैं तो रोड में घूमते हैं तो लोगों को बहुत परेशानी होती है। लेकिन हमारे कभी भी कुत्तों ने बेजुबान जानवरों पर अटैक नहीं करा, जैसे गायों पे, भैंसों पे या गायों के बच्चों पे। तो फार्म में भी कुछ ऐसे जंगली जानवर हैं, जंगली कुत्ते हैं जो गायों को काटते हैं, उन पर अटैक करते हैं। हमारे पास हमारे साथ आज जुड़े हमारे रफीक भाई छांगुल भाई, जिनका कि संडे के दिन ऑफ रहता है, तो मैंने उनको बुलाया। इनकी भी बच्चिया को आपने जैसे एक वीडियो में देखा था कितना बुरा काटा था, तो ऐसे ही हमारे गाँव के भी अब वो पता नहीं कौन लोग हैं जो अपने कुत्तों को खुला रखते हैं। अगर आप पालने का इतना शौक रखते हो तो उनको संभालने का भी हिम्मत रखो। एक बच्चिया को कल रात बहुत बुरा काटा है, उसके कान फाड़ दिए पूरे, उसकी बहुत बुरी स्थिति थी। वो रोते रोते हमारी गायों को देख के इधर हमारे बाड़े की तरफ आई, तो हमारे पड़ोस में हमारे भाई साहब हैं, उन्होंने बताया कि एक बच्चिया तुम्हारी रो रही है। तो देखा वो हमारी नहीं थी, लेकिन जैसे ही अंधेरे में मैंने उसके शरीर पर हाथ लगाया तो जगह जगह फटा हुआ, और फिर लाइट जला के देखा कान फटे हुए, खून बह रहा था, बहुत ही बुरा समय था। मैं उस समय ये चीज़ें सूट नहीं कर सकता था, ये खून दिखाना ये सब ठीक नहीं लग रहा था। तो फिर मैंने उसको रात को फर्स्ट एड दिया, ट्यूब दी, इंजेक्शन दिए, और उसके बाद उसको फिर मैंने यही रखा अपने पास। आज उसका बाकी जो ट्रीटमेंट है वो करते हैं, और इंजेक्शन देते हैं, ट्यूब लगाते हैं, और फिर उसके बाद मेरा ये मानना है कि मैं उसको गौशाला में छोड़ दूँगा, क्योंकि यहाँ भी इतनी ज़्यादा वो होती कि नहीं हो सकता, लेकिन उसको ठीक करके मैं छोड़ूंगा। तो मैं अपील करना चाहता हूँ लोगों से कि आप अगर पाल रहे हो कुत्तों को, अच्छी बात है आप पालो, अपनी सेफ्टी के लिए पाल रहे हो, लेकिन कम से कम लोगों का भी ख्याल रखो। हमसे भी गलती होती है, हमने तो बांधना चालू कर दिया। अगर आप पाल रहे हो तो थोड़ा उसका रख रखाव रखो, और ऐसे खुला मत छोड़ो कि एकदम वो किसी पर भी अटैक करें। आइए मैं लेके चलता हूँ आपको उस बछिया के पास और दिखाता हूँ उसकी क्या कंडीशन है। आइए, ये छांगुर भाई के लिए आ गई है चाय और बन। आज संडे को झांगुर भाई हमारे कब्जे में आए हैं, तो आज इन्हें छोड़ा नहीं जाएगा इतनी आसानी से। आज का सारा काम आप ही के जिम्मे। कुट्टी तो आपने कटवा दी है, देखिए छोटा बच्चा अभिनंदन कर रहा है। हाय, चाय पिएगा, फिर वहाँ गेट सही करना है। हाँ, गेट भी सही करना है, जो गाय गिर गई थी नदी के पास से हमारी गाय गुजरती, वहाँ पे गेट बनाया था तो उसकी एक लकड़ी टूट गई है, और वो लकड़ी टूटने से क्या हो रहा है, उसमें गाय गिर जा रही है, कभी बच्चे गिर जा रहे हैं, तो बहुत खतरा है। ब्याने वाली गाय भी होती हैं, तो उसमें बहुत खतरा होता है कि चोट लग सकती है, गंभीर चोटें आ सकती हैं। तो अभी हमने क्या करना है, यहाँ पहले इस बच्चिया का ट्रीटमेंट करते हैं, उसके बाद फिर हम जाएंगे वहाँ गेट सही करेंगे। झांगुर भाई आप ही ने गेट सही करना है, मैंने तो जाना है बच्चों को लेकर हॉस्पिटल, सब बीमार हो रहे हैं। मैं बड़ी मुश्किल से थोड़ा ठीक हुआ हूँ, तो अब चलने लगा हूँ। कौन बीमार है? चलो तो आइए आपको लेके चलता हूँ बच्चिया के पास और दिखाता हूँ। डर भी रही है बेचारी ना, अब हमारी से फेमिलियर होती। पकड़ ले बेटा, गले में रस्सी डाल ले, छोड़ना मत, छोड़ना मत, हटो बड़की, हटो हटो बड़की माई, हटो। आजा, आइए मैं आपको दिखाता हूँ पास से इसकी क्या। देखिए ये, देखिए ये है, देखो ये फाड़ दिया, ये देखो ये पूरे, और इसके तो ऐसे टुकड़े बना रखे हैं, इस कान में चबा दिया पूरा, ये देखो। बता रहे हैं कि गांव में ही थे तीन कुत्ते किसी के घर पे, और वो झपट गए, इतना बुरा हाल करा। वो तो जैसे ही मैंने देखा तो तुरंत इसको ट्यूब लगाई, लोरेक्सेम ट्यूब जो आती है तुरंत घाव भरने के लिए, और एक दर्द का इंजेक्शन दिया था। अभी मैं इसको लॉक इंजेक्शन देता हूँ और एक एंटीबायोटिक देता हूँ, फिर से ट्यूब लगा देता हूँ, और जैसे ही ये ठीक होगी एक आध दिन में फिर इसको गौशाला में छोड़ देंगे, क्योंकि ऐसे भटकने के लिए नहीं छोड़ सकते ना, फिर कोई कुत्ते अटैक करें तो बहुत खतरा है। तो इसको यहीं पर बांध के हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं।
इनका तो अलग कर दिया था, पूरा कुछ भी नहीं था। अरे उसको ऐसे मत कर, एक और ला, वो और पड़ा है वो डब्बा, इतना बड़ा बड़ा वाला कोलगेट, अरे इंजेक्शन का डब्बा है, डब्बा हाँ, उसमें पीस के कोलगेट में मिला के पूरे कान में लगा के एकदम पूरा एक जगह नहीं छोड़ा मैंने। हाँ हाँ कोलगेट, कोलगेट और उसमें ये लॉक की गोलियां पीस के, कोलगेट उसको पकने नहीं देता है ना, बिल्कुल ठंडा रहता है। अभी इसके मक्खी लगने लग गई ना दोस्तों, पहले देते हैं इसको एंटीबायोटिक 5 ml, क्योंकि बड़ी बच्ची होती तो दे सकते थे ज़्यादा। लो लो रखो मम्मी, इसको दबाना पड़ेगा ऐसे, झंगड़ो उधर दबाओ, दीवार पे दबाओ इसको, क्यों? क्योंकि ये पैर चलाएगी ना। अरे नहीं चलाएगी यार, रुको। लो कहाँ, जहाँ जहाँ ठोकना हो ठोक दो, पैर बचा लेना। अब डॉक्टर की जरूरत भी नहीं है, घर ही में डॉक्टर बन गए। मैं तो करता ही हूँ, थोड़ी बहुत तो नॉलेज होनी चाहिए इंसान को अगर जब पशुपालन करता है तो। ला बेटा बोला दूसरा लॉक दो। एक और एक सुई देख, परी को भी लगाएं, परी को सुई, परी को लगाएं सुई, हां लगाऊं? लगा लगा, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, पकड़ी गंदे, पकड़ो अभी सुई ले, अभी तो मैं कहीं जा रहा, कपड़े गंदे कर दिए उसने, पूरे पूरे कपड़े गंदे कर दिए, अब थोड़ा जाएगा। नहीं नहीं नहीं, मना किया था ना, सारे कपड़े पूरे गंदे, ऐसे में थोड़ा ले जाऊंगा मैं कहीं। किसी के भी बाल हैं, मैंने आपसे मना किया था कि ऐसी हरकतें मत करना बेटा। कपड़े में मिट्टी कहाँ से लगी? पूरे कपड़ों में बाल ही बाल हो गया। हटा रहा हूँ, उतार मत, हटा रहा हूँ, रहने दे अभी, हटा रहा हूँ, सच्ची मोटी पागी रहेगा पीछे। ये है लॉक दर्द के लिए। लो सत्यम रखो इसको, झड़ जाएगा पापा, झड़ जाएगा। लग गई। लो इसको धो दो, धो के इंजेक्शन वगैरह सब रगड़ ट्यूब में लगाता हूँ। अब पकड़ो उसको यार, अगर आप पास से लाओ तो मैं दिखाऊँ इसको, देखिए क्या कंडीशन हो रही है, सूज भी गया है पूरा। अभी खैर इसकी सूजन कम हो जाएगी, इसको एंटीबायोटिक दे दिया है। हाँ हाँ वॉश कर लेंगे, और मैं भी चल रहा हूँ आपके साथ। कपड़े झाल लेता हूँ, चल जाएंगे। यहाँ पे तो परसों तो कुछ मान से ऊपर को आ रहा था। बस एक इंजेक्शन मेरे पास नहीं है एंटी रेबीज, वो इसके लिए लाके लगा दूंगा मैं भी। गांव के कुत्ते हैं रेबीज लगे होंगे, आप ये नहीं कह सकते ना, कोई इतना अवेयर नहीं है, इतना कोई भी इतना अवेयर नहीं है कि वो करे, और अगर है भी तो क्या आप खुला छोड़ दोगे क्या? इधर आगे नीचे यहाँ पे हो गया, अभी गया ये जो क्या क्या कह रहे हैं, जानवर मरे नहीं सब, उन्हीं का मांस लग गया मुंह में, वही खा खा। बहुत बुरा हाल हो गया यार, बहुत बुरा। आज सुबह मैंने अपनी गायों को बचाया है, जब आप इन्होंने बताया मुझे, मैं उठा मैं कि ये कुत्ते क्यों जा रहे इधर पीछे भाग रहे, देख रहा हूँ छोटी वाली गाय को एकदम खूब एकदम पूछ उठा के भाग रही है। तब मैंने इनको भाई साहब कर, भाई साहब देखो कुत्ते टोड़ा रहे गाय को, भाग के जाओ। तब बाइक से तब गए, फिर मैं बाइक से गया भाग के, और 6-7 कुत्ते से उन्होंने गायों को घेर लिया था, तो फिर उनको भगाया और बड़ी मुश्किल से गायों को आगे भेजा चरने के लिए। तो इसका तो फिलहाल हो गया है। चंगर भाई आप इसको खोल दो, अब बाकी जो और काम है वो काम करते हैं, बाकी वो रेबीज का इंजेक्शन ला के इसको लगा दूंगा। मोगली नहीं है वो, अपने झांगुर भाई हैं, अमरूद तोड़ रहे हैं, मीठे मीठे अमरूद। एक मुझे भी दो यार, भाई जान एक अमरूद हमको भी दो।
बढ़िया बढ़िया अमरूद लाना मेरे लिए भी मीठा मीठा। छांगुर भाई ने काम स्टार्ट कर दिया है, जा रहे हैं लकड़ी लेके पुल की तरफ। दो या तीन चक्कर उनको लगेंगे, दो या तीन बल्लियां लगानी पड़ेंगी, तब जाके पुल सही होगा। बहुत खतरा हो रहा है, गाय गिर रही हैं, बछियां गिर रही हैं। घर का सारा काम निपट गया है, अब मैं सत्यम पांडे और उज्जू को लेके जा रहा हूँ मार्केट। मार्केट भी गया डॉक्टर के पास, इसी को खांसी आ रही है, उसको भूख नहीं लगती, तो ऐसे तो ये खाती नहीं है। अब जब डॉक्टर इनको इंजेक्शन लगाएंगे, पिछवाड़े में इनकी सुई लगेगी, तभी ये लोग खाना भी खाएंगे और तभी इनकी खांसी दूर होगी। तो अब ठाकुर भाई इसको सही कर रहे हैं। ये देखिए, ये लकड़ियां हैं, ये देखिए ये लकड़ी टूट गई है यहाँ, तो यहाँ से खतरा है। गाय कल को एक बछिया गिरी थी, बछिया गिर गई है, एक क्या दो तीन बछिया गिर गई है, गाय भी गिरी, तो आगे कोई नुकसान ना हो, तो इसलिए पहले सबसे पहले हमारा काम करना है पुल को ठीक करना। तो अब हम जाते हैं फटाफट मार्केट और छांगुर भाई यहाँ पुल को ठीक करेंगे। जैसे कि छांगुर भाई लगे हुए, स्टार्ट कर दिया उन्होंने अपना काम। तो छांगुर भाई हम चल रहे हैं, आप इसको कर लेना यार, ठीक है। तो हम आ गए मार्केट से, उज्जू को और हमारे कैमरामैन सत्यम जी को दवाई दिलवा के, और कुछ होली का हमने सामान भी खरीदा है। इसमें रखा हुआ है गुजिया बनेंगी, गुजिया आप सबको भी बहुत पसंद होगी, हम भी गुजिया खाएंगे खूब सारी, लेकिन इनको बच्चों को कम खानी है, मुझे भी कम खानी, तो थोड़ी थोड़ी ही खाएंगे। देखिए हमारे आने तक राहुल भाई ने गेट बना दिया है, अभी नीचे एक लकड़ी और बताएंगे, कह रहे हैं कि नीचे एक लकड़ी और लगनी है, उसके बाद ही पूरी सेफ्टी होगी। और इस वाली को देखिए ऊपर उठाया जा रहा है, क्योंकि अगर नीचे होगी तो थोड़े भी झटके में गाय नीचे पलट सकती है, तो इसको ऊपर उठाया जाएगा। यहाँ से इसको बढ़िया हाइट दे दी है और नीचे एक लकड़ी और लगाई जाएगी, और ये पुल हमारा एकदम बढ़िया बन जाएगा, बेहतरीन, एकदम सुंदर। ये हमारे छांगुर भाई लगे हैं काम में। छांगुर भाई कितनी देर में बनेगा ये? आधा घंटा लगेगा, ठीक है। और हमें ज्वाइन कराया, देखिए कौन मिले हैं आज हमें, किन्ना भाई, जिनके पास बहुत ही प्यारी प्यारी बकरियां हैं, और एक प्यारी बकरी रानी भी है। रानी कहाँ है किन्ना भाई? अच्छा, रानी चुंगरी है। शाम को देखेंगे, अभी नहीं ना, अभी टाइम नहीं। तो दोस्तों फिर आपसे वही बात करना चाह रहा हूँ, अपना प्यार बरसाओ मुझ पे दोस्तों, प्यार बढ़ाओ, प्यार बरसाओ, मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, अच्छे अच्छे कमेंट्स करो प्लीज दोस्तों, आपके प्यार की बहुत जरूरत है। घंटी का बटन भी जरूर दबाएं। देखिए मैं तो अब बोल भी नहीं पा रहा हूँ, बोलते बोलते भूल गया हूँ यार, कितने बार कहूँ दोस्तों, प्लीज आपके प्यार की बहुत जरूरत है। ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो आपके पास लाते रहेंगे, इन्फॉर्मेशन नई नई आपको देते रहेंगे। अभी जय गौ माता नहीं यार, अभी तो एंड भी नहीं हुआ है, हम एंड करते हैं ना, तो आज एंड करेंगे हमारे छांगुर भाई। छांगुर भाई दो शब्द बोलिए हमारे चैनल के लिए यार, लोगों से कि भाई के चैनल को सपोर्ट करो, भाई के चैनल को सपोर्ट करो और लाइव देखो बिल्कुल बिंदास होके। अब तो देखना पड़ेगा, हमारे भाई ने भी कह दिया। इसी उम्मीद में इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, और आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। राधे राधे, जय गो माता, जय गोपाल।